नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरी कोचिंग में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हमीरपुर का पार्ट टू है, तो शुरू करते हैं। लास्ट जो हमने देखा था हमीरपुर में, लास्ट पॉइंट था हमारा कि हमीरपुर में दो यात्री आए थे, उन्होंने किस सन में हमीरपुर की यात्रा की थी। एक का व्यक्ति का नाम था विलियम मूरक्राफ्ट और अगले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज ट्रीवेक। तो उन्होंने की थी 1820 में। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने और जॉर्ज ट्रीवेक, मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रीवेक ने जो है हमीरपुर की यात्रा की थी। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। जो हमारा हमीरपुर का इतिहास है वह समझो कि खत्म पहले हो चुका था जिस समय हमने कांगड़ा किया था, क्योंकि हमीरपुर के अंदर ही कांगड़ा आता था, है ना। तो अब अगर हम हमीरपुर को देखना चाहेंगे तो हम हमीरपुर से सिर्फ उसके भौगोलिक चीजें ही देख सकते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं फिर से। सबसे फेमस सैनिक स्कूल जो है आपका हमीरपुर में बहुत ज्यादा फेमस है। तो लिखिए सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल है। सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बताइए हिमाचल प्रदेश में मिलिट्री स्कूल कहां पर स्थित है, तो वह चैल में, सोलन में। मिलिट्री स्कूल अलग है, सैनिक स्कूल अलग है। देख देता हूं यहां पे, ये मिलिट्री स्कूल जो है सोलन के चैल में स्थित है। और ये जो जगह चैल है ना, यहीं पर है विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का खेल का मैदान। विश्व का, पूरे के पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहां मैप नहीं लगेगा पता, है ना। ऊंचाई पर स्थित विश्व के, है ना, विश्व में ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट के खेल का मैदान। क्रिकेट, क्रिकेट के खेल का मैदान जो आपका चैल में स्थित है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आ रही है चीज, ठीक है। और सुजानपुर में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मैदान है। एक है सबसे ऊंचा मैदान वो सोलन में, और अगर सबसे बड़ा मैदान आएगा तो वो है आपका सुजानपुर में ही। सबसे बड़ा क्या नाम है उस मैदान का, याद है, लूणू, सुने नाम लूणू। तो सबसे बड़ा खेल का मैदान है वो, ग्राउंड लूणू। तीन जगह डिस्कस करेंगे हम हमीरपुर में। सबसे पहली जगह है नादौन, नादौन ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ब्यास नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर एक युद्ध हुआ है, नादौन का युद्ध। किस किस के बीच हुआ है, हिंट दूं, नादौन का युद्ध हुआ है किस किस के बीच में हुआ है, दो राजाओं के बीच में हुआ है, सफेद हाथी को लेकर हुआ है। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल। और सर भीमचंद के बीच में हुआ है, ठीक है। नहीं, वो था भांगड़ी साहिब का युद्ध, वो था भांगड़ी साहिब का युद्ध। ये नादौन का युद्ध हुआ है, ये हुआ है आपका मुगलों के खिलाफ हुआ है। लेकिन इस युद्ध में क्या किया था कि गुरु गोविंद सिंह ने
भीमचंद के साथ हेल्प करके मुगलों को हराया था नादौन में, वो था भंगानी साहिब का युद्ध। लिखो नादौन का युद्ध, दो कैंडिडेट्स बना दो, एक साइड लिखो मुगल, 1687 में हुआ है, एक साइड लिख दो मुगल और एक साइड है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह प्लस भीमचंद, प्लस भीमचंद, और इन दोनों के बीच में भी हुआ है युद्ध, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में। पहले इन दोनों के बीच युद्ध हुआ ना, बाद में इन दोनों ने संधि कर ली, फिर बाद में इन्होंने मुगलों को हराया था। वर्सेस है ये, इन दोनों के बीच हुई लड़ाई है ना। तो मुगलों से जो नेतृत्व कर रहे थे उन व्यक्ति का नाम था आलिफ खान। मुगलों से जो नेतृत्व कर रहे थे उन व्यक्ति का नाम था आलिफ खान। संसार चंद कौन है? कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा। तो इन्होंने नादौन के बारे में एक बात कही थी, देखिए नादौन के बारे में एक बात कही थी, आएगा नादौन जाएगा कौन, आएगा नादौन आएगा नादौन जाएगा कौन, क्योंकि यहां पर जो था ना नृत्य और गायन का प्रबंध होता था। मतलब यहां पे नादौन में जब भी जैसे कोई ना कोई चला रहता था तो ये काफी फेमस जगह थी, तो यहाँ पे नृत्य डांस और गायकी का मतलब कार्यक्रम चला ही होता था, नृत्य और गायन यहाँ पे फेमस था। पार्टी चली होती थी यहाँ, नृत्य और गायन का प्रबंध चला होता था। इधर लिखा है 1820 में मूरक्राफ्ट ने किसकी यात्रा की है, तो नादौन की यात्रा भी उन्होंने उसी समय की है। इसलिए एक क्वेश्चन आता है यहां से क्रांतिकारी से, एक क्वेश्चन आपको अगर आप हमीरपुर बोर्ड का पेपर दे रहे हो हिमाचल प्रदेश से, एक पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। वो पर्सनैलिटी या तो एक आधे डिस्ट्रिक्ट से होता है, होता ही होता है, हमेशा जरूरी है, क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है ना उसका पैटर्न होता है पहले ही सिलेक्ट किया हुआ, कि एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पढ़ने वाला है, एक रिवर से पढ़ने वाला है, एक क्रांतिकारी से पढ़ने वाला है। तो यहीं से एक सबसे जरूरी इतिहासकार है, क्रांतिकारी है, उनका नाम है यशपाल। लिखिए यशपाल, ये जो है एक क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी मतलब इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा इसलिए क्रांतिकारी कहा गया। तो लिखिए 1918 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है उन्होंने, कूदे। इनका जो गांव है वो नादौन है। आपको कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि यशपाल कहां से संबंधित हैं, ऐसा पूछा जाएगा उनके गांव का क्या नाम है, नादौन, या तो नादान आता है या फिर भूमपल आता है, भूमपल, या तो नादौन आएगा या लिखा हुआ आएगा भूमपल। और यहीं पर कटोच वंशी राजाओं की राजधानी भी रही है, क्योंकि यहां पे कटोच वंशी राजा रहे, राजधानी रही है पहले ही नादौन। राजधानी भी रही है इसीलिए जो नादौन है इतनी फेमस जगह है।
अगली जगह लिखो बड़सर, बड़सर। हमीरपुर से 36 किलोमीटर दूर है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखो। क्वेश्चन आता है कि बड़सर हिमाचल प्रदेश के कहां पर स्थित है, तो ये जो है आपका हमीरपुर में स्थित है बड़सर। अगली जगह लिखिए देउठ सिद्ध, पाइए देउठ सिद्ध के बारे में क्या फेमस है। बिल्कुल लिखिए सबसे पहला पॉइंट, यहां पर जो है बाबा बालकनाथ का प्रमुख मंदिर है, बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा बालकनाथ के मंदिर आपके और जगह भी पाए जाएंगे, लेकिन जो फेमस मंदिर आएगा और ऑप्शन में यहाँ पे हमीरपुर पाए जाएंगे, तो हमीरपुर पे ठीक करना है, क्योंकि जो फेमस मंदिर है वो यही है देउठ सिद्ध का, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। ठीक है, अगली जगह लिख लीजिए भोरंज, भोरंज। देखो सिंपल सिंपल सी जगह होती है, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है कि भोरंज कहाँ पे है, या जैसे सोलन, क्योंकि ये जो लास्ट लास्ट के जो आपके है ना, जैसे सोलन हो गया, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, इनसे हिस्ट्री से नहीं बनता है प्रश्न, इनसे बनता है आपका जगहों से, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आते हैं। क्योंकि कांगड़ा में तो हमने पहले हिस्ट्री देख ली, और कांगड़ा से आता है हिस्ट्री से, कांगड़ा में हमने हमीरपुर पढ़ लिया है, अब वो एक ही जगह से दोनों जगह से थोड़े नए के क्वेश्चन डालेंगे, है ना। तो ये लिखिए भोरंज, भोरंज एक्चुअली है तहसीलें, इसीलिए इतनी फेमस है ये भोरंज। थोड़ा सा जो हमें, चलो नेक्स्ट में देख लेंगे, जो क्रांतिकारी आएंगे हमीरपुर के उसी में देख लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।